हेलो, हाँ जी नमस्कार। मेरा नाम संदीप चौहान, आप देख रहे हैं चौहान यूके वाइब्स। इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे रीडिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। जैसे आप सभी लोगों को पता है, हमने पार्ट ए के बारे में पहले डिस्कस कर चुका है। इस वाली वीडियो में हम लोग पार्ट बी और सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज वहीं पर वापस बैठ के हम लोग वीडियो बनाने लग गए, हम लोग बाहर वीडियो नहीं बना रहे। पर जो उसका मेन रीजन ये है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ओईटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में पढ़ाई के रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो बाहर वीडियो ना बना के मैंने यहाँ पे वीडियो बनाना ज़्यादा सही समझा, क्योंकि हम लोग जब बाहर वीडियो बनाते हैं तो काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, आपको भी होते हैं और मुझे भी होते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगी जिसके अंदर हम लोग एजुकेशन की बातें करेंगे, ओईटी की बातें करेंगे, उसकी की या सीबीटी की बातें करेंगे, वो हम लोग इंडोर बनाएंगे। और जो बाकी जो इन्फॉर्मेशन हैं, जो कि मैं बाहर घूमता हूँ आपको दे सकता हूँ, तो उनके बारे में हम लोग बाहर ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वाली वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमने पार्ट ए के बारे में डिस्कस किया था, तो जो टोटल अपनी जो रीडिंग होती है, इसके अंदर टोटली 1 घंटे की होती है। ये अपना मॉड्यूल का जो एग्जाम होता है, रीडिंग मॉड्यूल, 1 घंटे का एग्जाम होता है। इसके अंदर जो 15 मिनट्स होते हैं ये पार्ट ए के होते हैं, और जो 45 मिनट्स होते हैं वो पार्ट बी और सी के होते हैं। जैसे ही आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है, तो आपसे पार्ट ए की आंसर बुकलेट आपसे ले ली जाती है। पार्ट बी और सी के लिए आपको आंसर बुकलेट आपकी दे दी जाती है। जो पार्ट ए होता है, इसके अंदर टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट बी और सी के जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो 22 क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 22 क्वेश्चंस होते हैं, ये आपको 45 मिनट्स में सोल्व करने होते हैं। 45 मिनट्स में अगर हम लोग उसको डिवाइड करें, तो हर क्वेश्चन के लिए कम से कम आपके पास 2 मिनट होते हैं। अगर हम लोग 2 मिनट के हिसाब से भी लगा के चलते हैं, तो फिर भी आपके पास 1 मिनट बच जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको टाइम में कैसे मैनेज करनी है, आपको उसके आंसर्स कैसे निकालने हैं, क्योंकि इसके अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसके जो आंसर्स होते हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं। और सारे के सारे आपको जो आप जब देखेंगे, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आपको सेम ही लगते हैं। तो हम लोग वही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, या फिर ऑप्शन सी है। तो वही सारी चीज़ें और शॉर्ट ट्रिक्स हम लोग इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम लोग पहले बात करते हैं पार्ट बी के बारे में, तो पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताई है कि जो पार्ट ए है, बी है, सी है, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो प्लीज़ अपने कोई भी क्वेश्चंस ना छोड़ें, सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें। बाकी अपनी नॉलेज के हिसाब से करें, आप जैसे उसको रीड करते हैं वैसे करें, पर कोई भी क्वेश्चंस आप ना छोड़ें, इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आपको नहीं भी आता है, अगर बाई चांस आपने लगाया है, तो फिर भी 50% चांसेस हैं कि आपका वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। 50% चांस है कि वो गलत हो जाएगा, तो कम से कम आप रिस्क ले ही सकते हैं, आप कोई भी ऑप्शन लगा दें अगर आपको आपका आंसर नहीं मिला है। तो हम लोग बात करते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी के अंदर टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन के टोटल मिला के 3 ऑप्शंस होते हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस देखे थे, काफ़ी सारे लोगों से भी बात की थी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि पहले आप पैराग्राफ रीड करें, उसके बाद अपने क्वेश्चन रीड करें, उसके बाद अपने ऑप्शन रीड करें। पर मैंने कभी भी ऐसे नहीं किए हैं, क्योंकि जब आप पहले पैराग्राफ रीड करते हैं, उसके बाद जब अपने क्वेश्चन रीड करते हैं, तो पैराग्राफ आपके दिमाग से निकल जाता है। फिर आप क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर दोबारा आपको पैराग्राफ रीड करने की जरूरत पड़ती है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो मैं ट्रिक इस्तेमाल करता था, वो ये करता था कि पहले अपना क्वेश्चन पढ़ता था, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो ऑप्शन ए था उसको अपने दिमाग में रखता था। तो जब मैं ऑप्शन ए को अपने दिमाग में रखता हूँ, उसके बाद पैराग्राफ रीड करता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ऑप्शन ए ही इसका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन ए मेरे दिमाग में है, और मैं जब उसको रीडिंग कर रहा हूँ, आपको जो रीड कर रहा हूँ पैराग्राफ को, तो मुझे पता चल जाएगा कि ऑप्शन ए इसका आंसर है या फिर नहीं है। अगर ऑप्शन ए इसका आंसर है तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि आपका क्वेश्चन तुरंत सोल्व हो गया, उसके अंदर आपको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे सोल्व करने में। अगर ऑप्शन ए उसका आंसर नहीं है, तो कम से कम वो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, जो कि आपके लिए टोटली मिला के 3 ऑप्शन में से एक तो ऑप्शन निकल गया आपका। तो कभी भी जब आप रीडिंग करें पैराग्राफ की, जब भी आप रीड करते हैं उसको, तो उसका जो ऑप्शन ए है उसको अपने दिमाग में रखें, और उसी के हिसाब से उस पैराग्राफ को रीड करें, उसको फिट करने की कोशिश करें कि ये आंसर है या नहीं है, है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपका ये ऑप्शन ए है, ये या तो निकल जाएगा या फिर यही आपका आंसर होगा। टोटल मिला के 6 क्वेश्चंस होते हैं, 6 में से कम एक क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसका ऑप्शन ए आंसर होगा। इस वीडियो को काफ़ी सारे ऐसे लोग भी देख रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं ओईटी पास करने के लिए। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके 32 मार्क्स भी आ जाते हैं, तो भी आप पास हो जाओगे। जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट ए के अंदर भी अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो, 18 से 19 मार्क्स भी ले आते हो, उसके बाद पार्ट बी और सी के अंदर अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग जो बात करेंगे, तो दिल से बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कि मैं आपको बड़ा चढ़ा की चीज़ें बताऊँ। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि जिनको आप यूज़ करेंगे, तो शायद आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्ट ए को, ऑप्शन ए को अपने दिमाग में रखें, उसके बाद पैराग्राफ रीड करें। अगर वो सही होता है तो ठीक है, क्योंकि टोटल मिला के 6 क्वेश्चन है, 6 में से कहीं ना कहीं आपका एक ऐसा ऑप्शन होगा जिसके अंदर ए आपका आंसर होगा। अगर नहीं होता है, तो आपका वो एलिमिनेट हो जाएगा। फिर बी और सी के साथ ट्राई करें, अगर आपका बी आंसर है,
अगर जैसे बी से जब ट्राई करेंगे तो अगर बी उसका आंसर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब सी आपका आंसर है। तो प्लीज इस चीज को ध्यान में रखें कि आप सीधा डायरेक्ट पैराग्राफ ना पढ़ें, पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, एक ऑप्शन को अपने दिमाग में रखें और फिर पैराग्राफ को पढ़ें, तो काफी आपके लिए काफी ईजी पड़ेगा और ये 2 मिनट से पहले ही ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। जब मैं पार्ट बी करता था तो मैं एक टाइमर लगाता था मेरा, 10 से 12 मिनट के अंदर मैं अपना जो बी पार्ट है उसको सोल्व करने की कोशिश करता था। तो जब भी आप अपना पार्ट बी सोल्व करें तो प्लीज अपना एक टाइमर सेट करें जिसके अंदर आप 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर पार्ट बी को आप कंप्लीट कर लें। तो यह है पार्ट बी की टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर पार्ट बी के अंदर अगर आप 4 बी सही कर देते हैं तो हम लोग, मैं आपको पहले बोल, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम लोग वो चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे कि आपके कुछ भी करके 30 या फिर 32 आपके मार्क्स आ जाएं। तो जैसे 19 हमने पार्ट ए में स्कोर कर लिया था और 4 नंबर हम लोग यहाँ पे स्कोर कर रहे हैं, तो टोटल मिला के 23 मार्क्स आपके हो गए। जो पार्ट सी है इसके अंदर टोटल मिला के आपको 7 मार्क्स ही लाने हैं, तो हम लोग उसी के हिसाब से बात कर रहे हैं इस वाली वीडियो के अंदर। तो जैसे कि हम लोगों ने बात कर ली पार्ट ए के बारे में जिसके अंदर टोटल मिला के 20 क्वेश्चंस थे, पार्ट बी के अंदर 6 क्वेश्चंस थे, तो इन दोनों का मिला के हमारे पास 26 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हैं वो 16 क्वेश्चंस बचे हैं जो पार्ट सी में से आते हैं। तो पार्ट सी के अंदर टोटल 2 पैराग्राफ्स होते हैं जो कि 800 800 वर्ड्स के होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला पैराग्राफ होता है उसके अंदर 8 क्वेश्चन होते हैं और जो पैराग्राफ दूसरा होता है उसके अंदर टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं। तो जहां तक मैंने आजमाया था पार्ट सी को, उसमें एक पैराग्राफ इजी होता है, एक पार्ट पैराग्राफ डिफिकल्ट होता है। तो जब आप एक पैराग्राफ करते हैं तो उसके अंदर काफी ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो दूसरा पैराग्राफ करते हैं तो पहले पैराग्राफ से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं एक पैराग्राफ में तो उसकी टेंशन ना लें, मे बी आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा वो थोड़ा इजी होगा, क्योंकि जो ये हमारा एग्जाम होता है ये इस स्ट्रक्चर से बनाया होता है कि आप पास कर लें उस एग्जाम को, किसी को फेल करने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती है। तो आप प्लीज टेंशन ना लें और अपने आप हार्ड वर्क को आप कंटिन्यू रखें, आप अपने जो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। तो जैसे हम लोग पार्ट सी के बारे में बात कर रहे थे, अगर हम लोग पहला वाला पैराग्राफ लेते हैं, 800 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है पार्ट सी के अंदर। एक बहुत अच्छी चीज ये होती है जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता दिया जाएगा, क्योंकि 800 वर्ड्स का पैराग्राफ होता है कि अगर आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए अगर पूरे 800 वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे तो काफी ज्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो जो ये पैराग्राफ होते हैं वो छोटे छोटे सब पैराग्राफ्स के अंदर डिवाइडेड होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसे करके वो डिवाइडेड होते हैं। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, 2 पूछा जाएगा, तो उसमें से ये बता दिया जाएगा कि आपको जो आपका आंसर है वो कौन से पैराग्राफ में मिलेगा। या फिर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऑथर है या फिर जो रिसर्चर है, जो भी रिसर्च के ऊपर अगर टॉपिक है, तो वो पैराग्राफ 1 में क्या कहना चाहता है या फिर उसका जो मेन जो एम है वो क्या है। तो जब भी आप पैराग्राफ सी को पढ़ते हैं तो प्लीज पहले क्वेश्चन पढ़ें, आप ये देखें कि आपसे जो आपका जो क्वेश्चन है वो कौन से पैराग्राफ में से पूछा गया है, ए में से, बी में से, सी में से, कौन से वाले में से पूछा गया है। उसके बाद इसकी सबसे अच्छी ट्रिक जो मैं इस्तेमाल करता था और हमेशा मेरे वो काम आती थी वो ये आती थी कि मैं पैराग्राफ को टोटल मिला के 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। जो हमारी जो फर्स्ट लाइन है वो हमारा एम है या फिर इंट्रोडक्शन है, जो दूसरी तीसरी और चौथी लाइन है वो सपोर्टिंग चीजें होती हैं। जैसे कि किसी आदमी ने रिसर्च करी किसी चीज के ऊपर, उसको उसने फर्स्ट लाइन में लिखा, उसके बाद जो बाकी दूसरी तीसरी और चौथी लाइन है उसके अंदर वो सपोर्टिंग चीजें लिखता था कि रिसर्च करने के बाद ये सब किया, ये सब किया, ये सब किया, उसके बाद फाइनली उसका कंक्लूजन लिखता था। तो लास्ट लाइन में हमारा कंक्लूजन होता था। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें देखें कि आपसे कंक्लूजन पूछा गया है, आपसे सपोर्टिंग चीजें पूछी गई हैं या फिर ऐसी चीजें पूछी गई हैं जो कि उस स्टडी के विपरीत हैं या फिर उस स्टडी के अपोजिट जा रही हैं, जो कॉन्ट्रा इंडिकेटरी चीजें हैं वो सारी चीजें पूछी गई हैं, तो वो आपको बीच में मिलेगा आंसर। अगर वो आपसे एम पूछा गया है या फिर रिसर्चर है वो क्या चीज करने की कोशिश कर रहा था, तो वो आपको ऊपर वाली लाइन में मिलेगा। या फिर अगर आपको क्वेश्चन में अगर कंक्लूजन पूछा गया है कि ये सब चीजें होने के बाद साइंटिस्ट ने क्या मतलब उस रिसर्च का क्या कंक्लूजन निकला, अगर वो आपसे पूछा गया है तो वो आपको लास्ट वाली लाइन में मिलेगा। तो हमेशा आप ये अपने दिमाग में रखेंगे, कंक्लूजन जब पूछा गया है तो आपसे लगभग लास्ट वाली लाइन में मिलेगा वो। अगर आपसे कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेटर चीजें पूछी गई हैं तो वो आपसे बी में सॉरी आपको बीच वाली लाइन से मिलेगी। अगर आपसे एक प्लान पूछा गया है स्टार्टिंग का कि साइंटिस्ट किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो या फिर रिसर्चर किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहा था, वो आपको इनिशियल लाइन से मिलेगा। तो ये सब चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो आपके लिए काफी ईजी रहेगा। और पॉजिटिव अप्रोच रखें, हर चीज के अंदर पॉजिटिव अप्रोच रखें, क्योंकि जब तक आप पॉजिटिव अप्रोच नहीं रखेंगे और अपने दिमाग में टेंशन रखेंगे तो वो आपसे सोल्व नहीं होगा। क्योंकि जो बी और सी है वो पार्ट ए की तरह बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर आप ऐसे ही ऊपर से देख के अपना फिल इन द ब्लैंक्स आप कंप्लीट नहीं कर सकते। इसके अंदर जो आप रीड कर रहे हो उसका मतलब आपको निकालना आना चाहिए कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है और जो वो लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं अगर हम लोग उसको दूसरे तरीके से लेके चलें तो कैसा होगा। क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चीजें देखी जाती हैं, नेगेटिव चीजें भी देखी जाती हैं कि रिसर्चर ने रिसर्च किया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा। तो ये सब चीजें आप अपने पास होनी चाहिए, जब हम रीड करते हैं तो हमें उसका मतलब निकालना आना चाहिए।
तो काफी सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। तो जो पार्ट सी है सब लोगों को काफी हार्ड लगता है, अगर आप अच्छे तरीके से उसको प्रैक्टिस करोगे, दिमाग में इन चीजों को की रख के प्रैक्टिस करोगे कि फर्स्ट लाइन क्या होती है, सेकंड क्या होती है और जो लास्ट कंक्लूजन होता है, तो ये आपके लिए काफी ईजी पड़ेगा और आपका जल्दी भी हो जाएगा। तो ये कुछ अच्छी टिप्स हैं, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपको आराम से मिल जाएगा। काफी ऐसे सारे क्वेश्चन होते हैं जैसे मैंने आपको बताया नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जैसे कि अगर हम की एक रिसर्च थी उसके नेगेटिव आउटकम्स क्या क्या थे, तो हमको उन नेगेटिव चीजों के बारे में देखना है और वो अपने आंसर्स लगाने हैं। तो क्वेश्चन जब आप सही से पढ़ेंगे उसके अंदर लास्ट में पूरा क्वेश्चन सही से होगा पर लास्ट में एक ट्विस्ट डाल दिया जाएगा जिससे कि वो क्वेश्चन नेगेटिव बन जाता है या फिर पॉजिटिव बन जाता है। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, सही से पढ़ें और उसके बाद ही उसका आंसर दें, उसके ऑप्शन को देखें और एक ऑप्शन हमेशा अपने दिमाग में रखें, उसके बाद ही आप पैराग्राफ को रीड करें ताकि जब आप वो रीडिंग कर रहे हैं तो आपका वो जो टाइम वेस्ट ना हो, आपका कम से कम एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया हो। तो अगर आप इस टिप्स या ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं, इन टिप्स और ट्रिक्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपका थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर आपको पहले से कोई टिप्स एंड ट्रिक्स पता हैं तो प्लीज़ आप अपनी ही इस्तेमाल करें, इन पे ना जाएं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप एक अच्छे फ्लो में हो और अब ये सब चीज़ें देख के आपका जो फ्लो है वो खराब हो। मैं जो बात करना चाहता हूँ एकदम क्लियर बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ लगता है कि अगर आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो नहीं करना चाहते हैं, आपके पास अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो प्लीज़ आप उन्हें फॉलो करें। ये कुछ मेरा एक्सपीरियंस था जो मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों के पास मैसेज भी आए थे तो मैं उसी हिसाब से शेयर कर रहा हूँ। और जो मेरा एम है वो ये है कि आपका OET कुछ भी करके क्लियर हो जाए, आपके 30 मार्क्स आ जाएँ। आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 42 में से 40 लेके आओ या 42 मार्क्स लेके आओ, आप 30 मार्क्स लेके आओ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाए और आप अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ें, यहाँ पे आएँ, अपना करियर स्टार्ट करें। मेरा बस यही एम है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी अच्छे हैं, जो आप जिस तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो बहुत बढ़िया चीज़ है। जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करें। और बस यही था, और आगे आने वाली वीडियो में हम लोग अपने लिसनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया, धन्यवाद।